3 नवंबर को फुलवरिया वाराणसी में अखिल भारतीय काया स्थित महासभा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त पूजन महोत्सव का आयोजन होगा। प्रेस वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरवानी चंद्र सिंह ने बताया कि महोत्सव में कथा हवन सुंदरकांड महाआरती और भंडारा होगा। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। परिचय बता दो। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जीवन बीमा का रिटायर्ड जो है अधिकारी हूँ। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता रखा गया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय का मंडल द्वारा आयोजित एक बहुत पुरानी जो है परंपरा चली आ रही है, जिसमें हम भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और समाज के कल्याण के लिए जो है कामना करते हैं, इसमें भंडारा इत्यादि सब करते हैं। तो इसका आयोजन होता है, बहुत पुराना जो है ये हमारी संस्था 1925 से बनी हुई है। हमारे जो है पटेल साहब की अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का गठन हुआ था, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसी क्रम में जो है आज वाराणसी में जो है हमारी ये संस्था 25 साल से, पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गया, काम कर रही है। और हम लोग हर साल भगवान चित्रगुप्त जी की जो है पूजा जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पे जो है, जो कि जस्ट दीपावली के दूसरे दिन होती है, वो हम उसको मनाते हैं, जिसमें हम कायस्थ समाज के साथ भारतीय समाज की और हमारे देश के लिए जो है चिंतन करते हैं, प्रबुद्ध वर्ग को जो है जुटाते हैं और आगे के लिए रूपरेखा बनाते हैं। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनपद वाराणसी, और मैं 2 दायित्व में हूँ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ, जो उत्तर प्रदेश पूर्वी के 36 जिले हैं, मैं वहाँ पर मेरा रहता है। ये विगत 25 साल से भंडारा कार्यक्रम और पूजा का हवन का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है और अनवरत चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। शुरू शुरू में मैं जब वार्ड का अध्यक्ष था तो वहाँ ही परंपरा शुरू हुई थी। आज मैं जिला अध्यक्ष प्रदेश में भी हूँ तब ये चल रही है। अगल बगल के मतलब सभी विधानसभा क्षेत्र से लोग आते हैं, बहुसंख्यक उसमें हर बिरादरी के लोग रहते हैं, सिर्फ कायस्थ नहीं रहते हैं। चूँकि पूजा भगवान सबके लिए है तो भंडारा वो छोटे से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज के दिन में लगभग वहाँ 500 से 1000 लोग मिनिमम लोग वहाँ भंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और समाज में जो हम लोग लेखनी बांटते हैं तो इस उद्देश्य से बांटते हैं कि हर समय आदमी अपने उसके उसकी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें, उचित अनुचित का ध्यान दें और न्याय के प्रति सजग रहें। कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और 1999 से मैं महासभा का एक फुलवरिया शाखा का मैं अध्यक्ष बना, संस्थापक अध्यक्ष आज के डेट में आप कह सकते हैं। और समाज में कुछ दिया जाए इस आशा के साथ हम जुड़े, और मुझे खुशी है कि वहाँ हम लोगों ने कॉपरेटिव बैंक चलाया समाज के तो ज़रूरतमंद अपने भाइयों के लिए, और बहुत सफल रहा। हम लोग रचनात्मक कार्य, जैसे जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी फुलवरिया में, वो 7 किलोमीटर फैला हुआ है, हम लोगों ने पहले ढूंढा, उन लोगों को शादी विवाह इत्यादि से जोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने जिले में, मैं आया जिला उपाध्यक्ष बना एक का, और वर्तमान समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इस पूजा का महोत्सव जो है भगवान चित्रगुप्त पूजन महोत्सव का, मैं मुख्य यजमान भी, हमारी जिला बॉडी ने मुझे बनाया है। और तो मुझे सारे संस्मरण आज के 25 वर्ष पहले के, और हमारे यहाँ के काशी के माननीय विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा जी, वो हमारे यूथ विंग के संरक्षक हैं और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। उसी प्रकार हमारे एक कैंट के विधायक श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी, वो हमारे यूथ विंग के, वो भी हमारे संरक्षक हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी, जो इलाहाबाद के मेयर भी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं। हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना MD, बहुत क्वालिफाइड आदमी, बरेली के माननीय विधायक भी हैं वो हैं। तो अभी अभी चुनाव में वहाँ लखनऊ पश्चिम से BJP से वो हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे श्रृंखला, और जितने लोग हैं हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन चर्चा पार्टी की नहीं होती है। समाज में रचनात्मक काम कैसे हो, और सचमुच में भगवान चित्रगुप्त की अगर पूजा आपको देखनी है तो आपको फुलवरिया आनी होगी और बैठ के वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को माला नहीं पहनाया जाता है, वह भगवान चित्रगुप्त को सब लोग माला पहनाते हैं,
जैसे आप देखेंगे ना अभी आप कवरिंग करेंगे विभिन्न जगहों पर, तो कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएंगे, उनको गले पर माला, उनको शौक भी रहेगा, कुछ अपना मिशन भी लोगों का रहता है, उस पर मुझे नहीं कुछ कहना। लेकिन अगर आपको शुद्ध रूप से पूजा देखनी है, वृहद देखनी है, वैदिक रीति से देखनी है, तो आपको फुलवरिया आना होगा। और चूंकि फुलवरिया के लोगों ने कहा कि नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जी अत्री भाई साहब हम लोग के बहुत पुराने परिचित हैं, तो उनका बड़ा सहयोग रहा, कम समय में हमने बुक किया और आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पर आज, चूँकि यहाँ भी पूजा हो रहा है प्रार्थना भवन में, और ईश्वर चंद्र सिन्हा हमारे परिवार के रहे हैं, और आज मुझे गर्व है कि इस पूजा को मैं भी देखा और मैं उसमें शामिल हुआ, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से मिलने का एक सौभाग्य मिला। मैं आप लोगों का हृदय से मैं जान रहा हूं, और नारी शक्ति का तो मैं वंदन करता हूं कि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार को देखते हुए अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो वो पूजनीय है, वंदनीय है। जत नारी पूजनते कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है। आज समाज में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण उस महिला समाज को दिया है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, निस्संदेह हमारे विकसित भारत के लिए एक अच्छा वो कार्य होगा। तो मैं आज पुनः अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अखिल भारतीय कायस्थ महा जनपद वाराणसी की ओर से बधाई देता हूं, और आप जरूर आइए, अधिक से अधिक लोग आप एक बार जरूर आइए। 12 बजे पिक आवर है, 12 से 1 बजे के बीच में आप आएंगे तो जो मैं कह रहा हूं उसकी यथार्थ, और काशी का कोई ऐसा समाज सेवी, कोई ऐसा राजनेता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पूजा को न जानता और जो मत्था न टेका हो। और भगवान ने सभी को बुलाया है, एक बार ही आवे, दो बार आवे, चार बार आवे, जिसकी जैसी भगवान प्रेरणा दे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जरूर आइए। और 3 तारीख को इस पूजा का अगर आप कवरेज करती हैं तो उन बहनों को जिन्होंने आज से 25 साल पहले अपने हाथ से भोजन बनाया, भंडारा बनाया, कोई मतलब सब कैटरर नहीं, कोई कुछ नहीं, और सबको खिलाए, और जिन लोगों ने 4 घंटा पहले, हम लोगों ने वहाँ गोबर से लीपा था, आज तो मट्टी था, गोबर हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता का पूर्ण, अपने हाथ से मैं लिपता था, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी उस समय थे राकेश जी, वो लिपते थे, और हम लोग नाव को नहीं देते, नाव नहाती थी, कहते भैया आपका नहीं, हम लोग लिपेंगे, तो ये भाव हम लोग का था। और पुनः मैं इस दीपोत्सव पर्व पे और भगवान चित्रगुप्त महोत्सव पर आपको 3 तारीख को फुलरिया में आमंत्रित करता हूँ, और हमारे दोनों विधायकों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। हमारे कैंट के सौरभ श्रीवास्तव जी ने कहा है, हर साल आते हैं, और हमारे माननीय युवा तुर्क नेता जो प्रदेश में एक युवाओं में एक जोश भरते ईमानदार वैष्णव का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।